हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो चैनल। मेरा नाम असीम सिंगल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। इससे पहले मैं एक फंड मैनेजर भी रह चुका हूँ, जहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स को एनुअली 35% से ज़्यादा का रिटर्न देते आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी पे। आप देख रहे होंगे कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसके काफ़ी रीजंस हैं, हाई इन्फ्लेशन, यूक्रेन और रशिया का वॉर, हाई इंटरेस्ट रेट्स। इसकी वजह से हमारा निफ्टी 16,150 और सेंसेक्स 54,000 पे गिर चुका है। बट ये सारे तो फंडामेंटल और मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस हो गए जिसकी वजह से निफ्टी गिरा है। आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के एंगल से भी देखेंगे कि निफ्टी कितना और नीचे गिर सकता है। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बट बिफोर वी गो फर्दर, मेक श्योर कि आप ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला फैक्टर जो आज हम एनालाइज करेंगे वो है पीई रेशियो, या फिर प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो। ये किसी भी स्टॉक के लिए उसका जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है डिवाइड बाय उसके हर ईयर का क्या अर्निंग आ रहा है पर शेयर, वैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि किसी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज है और इसकी जो अर्निंग आ रही है पर शेयर ये 5 रुपए आ रही है, तो 100 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 20। इसका मतलब अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे को 20 साल लग जाएंगे टू गेट बैक आर रिटर्न्स। अगर कोई भी स्टॉक का पीई रेशियो बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब हो सकता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो। इसका ऑपोजिट भी है कि अगर कोई स्टॉक बहुत पीई रेशियो बहुत कम होता है तो हो सकता है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो। सिमिलरली निफ्टी का भी पीई रेशियो रहता है। इस समय निफ्टी का पीई रेशियो करीब 20.5 के आसपास चल रहा है। आपको जान के शायद हैरानी हो कि पीई रेशियो और निफ्टी के अगले 3 साल के रिटर्न्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। आप देखेंगे कि अगर पीई रेशियो निफ्टी का ज्यादा है तो अगले 3 साल के जो निफ्टी के रिटर्न्स है वो कम आए हैं, और अगर पीई रेशियो कम है तो अगले 3 साल के रिटर्न जो निफ्टी के आए हैं वो ज्यादा है। लेट मी शो यू अ कंप्लीट एग्जांपल। चलिए अब हम देखते हैं कि निफ्टी का पीई और निफ्टी के उसके अगले 3 साल के रिटर्न में क्या कोरिलेशन है। ये स्टडी एक प्रोफेसर द्वारा करी गई है। मैंने यहाँ पर जो दिखाया है, पहले फर्स्ट कॉलम में मैंने निफ्टी के अलग अलग पीई रेशियोज दिखाए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कॉलम बी में मैंने उस निफ्टी के फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या रिटर्न रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब पीई रेशियो कम होता है तो निफ्टी का अगले 3 ईयर्स का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी पीई इज़ लेस देन 14 तो ये देखा गया है हिस्टोरिकली कि निफ्टी का अगले 3 साल का रिटर्न 152% होता है। ऐसे ही अगर निफ्टी 14-16 की रेंज में है तो उसका रिटर्न फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स 112% होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर निफ्टी बहुत ही ओवर वैल्यूड है, मतलब अगर निफ्टी का पीई ज़्यादा है, लेट्स से 28-30, तो उसका नेक्स्ट 3 ईयर्स का रिटर्न -40% होता है। आप ये चीज़ इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे पीई बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। रिटर्न्स 150% पॉजिटिव से एक्चुअली -40% तक हो जाते हैं। अब आपको सुन के ये हैरानी होगी कि नवंबर 2021 में निफ्टी का पीई करीब 25 चल रहा था। सो एज़ पर पीई रेशो हम लोग एक बियरिश ट्रेंड में, क्योंकि अगर हम देखें, अगर निफ्टी का पीई 25 है तो हमें एज पर हिस्टोरिकली नेगेटिव रिटर्न्स की उम्मीद है इस साल। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंडिकेटर्स की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। पहला इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है वो बेसिकली आपकी लास्ट के जितने भी दिन होते हैं, मान लीजिए 50-day मूविंग एवरेज, तो 50 डेज का एवरेज दिखाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो लास्ट 50 डेज को स्मूदन कर देता है। माना यह जाता है कि अगर स्टॉक प्राइस अपने किसी भी मूविंग एवरेज से ऊपर है तो वो बुलिश है, और वो अगर किसी भी मूविंग एवरेज से नीचे है तो वो बेयरिश है। इसको हम चलिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे डेली और मंथली या फिर वीकली चेक करेंगे टू फाइंड आउट कि अभी हमारा ट्रेंड क्या है,
क्या हम बियरिश ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म में और क्या हम बुलिश ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म में। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें मैंने दो इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं, ये मूविंग एवरेज है। जो रेड इंडिकेटर है वो 50 डे मूविंग एवरेज है और जो ब्लू इंडिकेटर है वो 200 डे मूविंग एवरेज है। अब अगर आप देखें कि जो प्राइस चल रहा है वो 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एज पर मूविंग एवरेज ये माना जाता है कि अगर प्राइस दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है या स्पेशली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो एक बियरिश सिग्नल है। इसके अलावा एक और चीज़ अगर हम नोटिस करें कि 19 अप्रैल को 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, इसको डेथ क्रॉसओवर भी बोलते हैं। ये एक अगेन बियरिश साइन होता है। इसका मतलब ऑन अ शॉर्ट टर्म एज पर मूविंग एवरेज हम एक बियरिश सेगमेंट में हैं। चलिए अब हम इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके वीकली कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जब मैं वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूं तो जो करंट प्राइस है वो 50 वीक मूविंग एवरेज के जो नीचे है पर 200 वीक मूविंग एवरेज के अभी काफ़ी ऊपर है, एंड इसमें 50 वीक मूविंग एवरेज 200 वीक मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर चल रहा है। इसका मतलब एज पर मूविंग एवरेज थ्योरी हम शॉर्ट टर्म में अभी बियरिश मूव देख सकते हैं बट ऑन द लॉन्ग टर्म निफ्टी इज स्टिल बुलिश। दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे वो है सुपर ट्रेंड। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज्ड इंडिकेटर है क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर इसमें प्राइस इंडिकेटर के ऊपर होता है और इंडिकेटर का कलर ग्रीन होता है तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है, और अगर प्राइस इंडिकेटर के नीचे होता है और इंडिकेटर का कलर रेड होता है तो ये बेयरिश सिग्नल होता है। इसको भी हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे देखने के लिए कि हमारा शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है एज पर द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। चलिए अब हम देखते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है रिगार्डिंग निफ्टी। मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे और इसमें मैंने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगा दिया है विद डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब आप देख सकते हैं ये जो रेड और ग्रीन लाइन है यही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। एज ऑफ टुडे जो ये इंडिकेटर है वो रेड कलर का है, मतलब ये दिखा रहा है कि अभी हम बियरिश सेगमेंट पे चल रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए मैंने इसको मंथली टाइम फ्रेम कर दिया है और आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है अभी वो सुपर ट्रेंड के काफ़ी ऊपर है एंड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी ग्रीन कलर दिखा रहा है। तो एज पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऑल्सो निफ्टी फॉर द शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड में है बट ऑन द लॉन्ग टर्म निफ्टी अभी भी बुलिश में है। हमें एक और तरीके से पता चल सकता है कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू क्या है बाई लुकिंग एट FII एंड DII डेटा। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DII होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर आप देखें तो 2022 के बिगिनिंग से ही जो FIIs हैं वो सेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो एग्जिट कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स। ऑन द अदर हैंड जो DIIs हैं वो बाइंग कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, मतलब जो भी सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है वो केवल और केवल DII और रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से ही है। जैसा कि हमने बताया कि पिछले 4 महीने से FIIs सेलिंग कर रहे हैं और DIIs बाइंग कर रहे हैं। ये देखिए डेटा, ये डेटा जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 का है। आप देख सकते हैं FIIs की नेट परचेज चारों ही महीने में नेगेटिव रही है, इसका मतलब ये FIIs सेलिंग कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड DIIs की चारों ही महीने में पॉजिटिव रही है एंड जो रिमेनिंग पॉजिटिव पार्ट है वो रिटेल ट्रेडर्स के हिसाब से है। तो जैसा कि हमने अलग अलग इंडिकेटर्स देखे सब ये बता रहे हैं कि अभी लग रहा है कि निफ्टी शॉर्ट टर्म में बेयरिश फेज में है, बट निफ्टी कितना और गिर सकता है ये देखने के लिए हम आखिरी इंडिकेटर जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसकी सहायता लेंगे और देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बताता है, निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे और अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ये देखना चाहेंगे कि निफ्टी कितना और नीचे गिर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो लाइनें लगाई हुई हैं, जो फर्स्ट लाइन है वो करीब 16,000 लेवल पे है और जो सेकंड लाइन है वो करीब 15,480 के लेवल पे है। आइए पहली लाइन के बारे में देखते हैं।
अगर आप देखें तो ये जो 16,000 वाली लाइन है उसमें इस एरिया में, मतलब जून 2021 में, आप देखेंगे कि काफ़ी बार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया था। उसके अलावा अभी मार्च 2022 में यहाँ पर एक वापस सपोर्ट भी बना था, एंड एज ऑफ टुडे भी यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। मतलब 16,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पर या तो मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, या फिर अगर ये टूट जाता है तो जो सेकेंड सपोर्ट लेवल मिल रहा है निफ्टी को, वो मिल रहा है 15,483 पे। आइए इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट साइड कि जो नीचे वाला मैंने लेवल बनाया है 15,480 का, वहाँ पर या तो वो एक रेजिस्टेंस रहा है पहले, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। सो बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी, हम ये कह सकते हैं कि अगर 16,000 का लेवल टूट जाता है तो निफ्टी नीचे 15,500 के आसपास गिर सकता है, मतलब 500 पॉइंट और नीचे गिर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको निफ्टी के बारे में एक टेक्निकल एनालिसिस का भी पर्सपेक्टिव मिला होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में इन डेप्थ सीखना चाहते हैं तो हमने उसके लिए एक सेपरेट चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेडिंग विद ग्रो। यहाँ पर हम चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस के बारे में सब कुछ बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके अलावा हर रोज 8:45 पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि आज का हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। तो प्लीज चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग विद ग्रो चैनल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.